मास्क उड़ाने वाला कि बाय बाय मेरे सारी बीमारियां लेके जाना, मास्क कैसे करें। आज हम करने वाले हैं क्रेजी लाइफ हैक्स जो कि मैं टिकटॉक वाले देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज अभी से वीडियो को लाइक कर दो यार, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ, आप वीडियो को स्टार्ट में लाइक कर दोगे तो क्या चल जाएगा, आप तो बिल्कुल फ्री है लाइक यार, तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला हैक है, देखो मेरे साथी, इसमें है भाई बोलो टूटे हुए चार्जर को एक पेपर में अलग अलग जगह रखे, एक को आईफोन में घुसे, दूसरे को पावर बैंक, दूसरे को वायर तो है नहीं, तो वायर भैया ड्रॉ कर रहे हैं और उसे चार्ज हो रहा है। लाइक लेट्स सी कि ये होता है कि नहीं होता है। ओके गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे फोन ऑलरेडी चार्ज हो रहा है, बिकॉज मेरे फोन में चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे अच्छे खासे इस आईफोन के वायर को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि ट्राई करने के लिए मेरे पास टूटा हुआ चार्जर नहीं है। तो ये मम्मी का है वैसे, तो मम्मी प्लीज वीडियो अभी बंद कर दो, मैं इसका मर्डर करके वो आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। नहीं छोड़ रही हूं। ओके, वैसे यहाँ पे जी आ चुका है, यहाँ पे ये फोन है, बिजली आ जा, आ जा इस लाइन में, आ जा चार्ज, आ जा हो जा चार्ज, यू कैन डू दिस, हो जा ना। ओके गाइस, इसमें तो टाइट टाइट फिश हो गई है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो फूटेगा तो नहीं ना। नहीं, वो वायर में अलग ताकत होती है। ये हैक बहुत कूल, इसमें ये है कि इन्होंने चश्मे के ऊपर डिश सोप लगाया, डिश सोप से धोया नहीं है, रबन करके बिल्कुल पोंछ दिया, जिससे वहां पे फील नहीं आएगा आपको, बट आपका फिर ग्लास बिल्कुल भी फॉग नहीं करेगा। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड सी कि कैसे होगा कैसे। ओके गाइस, ये रहा मेरा चश्मा, अब मेरे मुंह के सांसों से तो फॉग मोस्ट प्रॉब्ली अभी नहीं बनेगी, तो वो करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टीम यूज करेंगे, और उससे पहले इसको प्रिपेयर करना है, मैं मेरे चश्मे की एक्सेस करने वाली, पर मैं यहाँ पे लाई हूँ मेरा पुराना सड़ा गला घर का डिश वॉश का डब्बा, ठीक है, ऐसे फॉग इकट्ठा हो जाता है ना। ठीक है गाइस, ये आपने देख लिया, इस पे सबसे पहले उन्होंने लगाया है डिश वॉश, ये मैंने इस पे रबिंग कर दिया है, अब इसको बस मुझे पोंछना है। किस किस के पास इस कोरोना टाइम्स में ये वाला स्टीमर है, प्लीज कमेंट डाउन। इतनी निकलती होगी जब हमारे नाक से निकलती होगी, अभी जो निकल रही है किसी भी को, क्योंकि ये बंद कर दी है मशीन, तो जो बचा हुआ जो बचा ना वो निकल रहा है, नहीं आई, बिकॉज फॉग बहुत जल्दी आ जाती है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड हैक, सो आई एम गोना से इट्स 10 on 10, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, आप लोग अगर चश्मे शो मेरी तरह, तो बहुत कूल हैक है। तो ये हैक है भाई, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, और अगर आपने देखा है तो नीचे कॉमेंट करना आप लोगों ने कितना देखा। हनी जेली हैक की ओरिजिनल रेसिपी ये है कि वो हनी को एक बॉटल में फ्रीज कर देते हैं, और उसको फ्रीज करके 4-5 घंटे या ओवरनाइट के बाद उसको जब निकालते हैं ना, वो ऐसे निकल के आता बिल्कुल फाउंटेन, फाउंटेन की तरह तो नहीं बट हाँ स्लाइम की तरह निकल के आता, और फिर वो उसका करके खा लेते हैं, तो बड़ा ही मस्त लगता है। तो और उसमें ना फिर इसी के वेरिएशन बहुत सारे हैं जो कि आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये वाला हमने देखा था, इसमें है कि वो मेरे जम चुका है, लेट्स सी कि कितना जमा है कितना नहीं, 6 घंटे से ज्यादा ऊपर हो गया, वैसे वो लोग ओवरनाइट बोलते, पर यार हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रोज हो गया था, तो हमने थोड़ी इधर रख दिया, फिर वापस इधर रख दिया, ऐसे कर रहे, तो लेट्स की रखो कचरे को प्लीज एक्सक्यूज। सबसे पहले उठा के देखते हैं ये वाला, यस बड़ी मेहनत कर शक्कर के बाद ये निकला, इसको खाते देखते हो, मैं करने जा रही हूँ ये, और आई एम होपिंग ये निकल के आ जाएगी।
राइट अगेन, बट अभी के लिए तो इट्स ओके ओके हैक. बहुत ही रिडिकुलस टेस्ट है, मुझे लगा था बहुत टेस्टी होगा. हम लोग कुछ और अलग नेक्स्ट वाले में ना हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करेंगे कलर्स इन एवरीथिंग. सो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मेक श्योर कि आप बता दो नीचे एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को. सो या दैट इज ऑल अबाउट दैट. वैसे ये वैसे तो बड़ा फुद्दू है कि लाइक क्यों क्यों चिन्नू को बहुत अच्छा लगा, बट इसका रीजन आप देखो तो सही. वो मास्क को एक कैंडल से ग्लू करके जब कैंडल बर्न करते हैं तो ये बेसिकली साइंस एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ है. लाइक देखने में बहुत कूल लग रहा है, बट करने की इच्छा क्यों है भाई? दिवाली आ रही है क्या उन लोगों के घर पे मास्कों की, कि भैया आप मास्क उड़ा रहे हो अलग ही, बाय बाय मेरे सारी बीमारियां लेके जाना मास्क ऐसे करें. और बाय चांस गाइस अगर आप ऐसा कुछ भी ट्राई करने वाले हो तो मैं तो बोलूंगी मत ट्राई करना, क्योंकि इन सब चीजों के लिए बड़ा होना बहुत जरूरी है. 18 अबव हो तो ही करो, वो भी गार्डियन के साथ, ठीक है ना? ओके लेट्स गो. क्योंकि इतनी जल्दी चिपकेगा नहीं ना, टाइम लगता है चिपकने में. ये मैंने इसमें सेट ही कर दिया, अंदर ही ग्लू कर दिया था. देख सकते हो कि ये तो सेट हो गया. अब मुझे सिर्फ इसको जलाना है और देखना है कि ये उड़ता है कि नहीं उड़ता. मास्क मत जल जाइयो. हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है यार सबका. ओ मास्क जल रहा है. ओ नो मास्क जल रहा है, उसकी हवा से जल रहा है. ये बच्चा किसका खो गया? तो आई डोंट नो कि ये क्यों हुआ क्यों नहीं, बट मैंने उम्मीद तो कर थी कि ये होएगा, बट कोई बात नहीं. नेक्स्ट हैक की तरफ. नेक्स्ट हैक बहुत कूल है, आई एम होपिंग कि वर्क कर जाए. आई एम रियली होपिंग कि वर्क हो जाए. तो आप देखो ऐसी मिरिंडा बॉटल ली है एंड उसके ऊपर ऐसे स्ट्रॉ को घुसेड़ के रखा है, ऊपर बलून लगा दिया है. बट द फन फैक्ट इज ये देखो यार, इसमें लिटिल कलर है, लिक्विड ही कुछ और आ रहा है कलर स्ट्रॉ में से निकल के, पता नहीं कैसे. मैंने ये किसी का देखा कि उसने कोक के साथ किया था और उसके भी कलर डिफरेंट आया था, तो मैं भी कोक के साथ करने वाली हूं. सो लेट्स सी कि होता है कि नहीं होता. नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा मेरे को पप्पू बना दिया, लिटरली मेरे को पप्पू बना दिया टिकटॉक के हैक्स ने. कहाँ उड़ के गया भाई? कैंची ठीक है. गाइज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बहुत ही रिस्की, किसी और से करवाना है. वेरी रिस्की. चलो मेरी स्ट्रॉ जाने लायक हो चुकी है, अब इसको अंदर डालनी है. देखने मैंने स्ट्रॉ नहीं डाली, उतने में चलो अंदर बबलिंग चालू हो गई. ये हमारा पीनी चाहिए, इसको फुलाने वाले, और ये पिंक कलर का है तो लेट्स होप पिंक एंड ब्लैक मिलके कुछ तो डिफरेंट कलर निकल जाएगा. इवन कोक भी बाहर आ जाएगी ना तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, कलर दूसरा आए ना आए. मजा ही आ गया. मेरा ये हैक चमकता नहीं, मतलब अव्वल नहीं, सर्व उच्चल नंबर अव्वल नंबर नंबर से पास हो गया है गाइस. तो डबल थम्स अप यार, लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर आप चाहते हो कि मैं और लाइफ हैक्स ट्राई करूं. और ऑल्सो हम लोग रक्षाबंधन पे वीडियो नहीं डाल रहे क्योंकि आप लोग भी अपने भाइयों के साथ बिजी होंगे. भाइयों के साथ नहीं तो यार अपनी बड़ी बहनों को जरूर राखी बांध देना, क्योंकि बड़ी बहन भी तो आपकी रक्षा ही करती है ना. तो मैं भी आप लोगों को रक्षाबंधन में बिल्कुल बिल्कुल फ्री रखना चाहती हूँ. आप लोग बिल्कुल ये ना यूट्यूब पे मत लगे रहना, तो आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो. इसलिए मैं संडे को वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मंडे को पर वीडियो आएगा. सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर दैट. आप चाहते हो कि मैं ओनम ब्लॉग डालू, मतलब मैं तो नहीं डालूंगी, चिन्नू डालेगी अपने चैनल पर. अगर आप चाहते हो तो मेक श्योर कि नीचे आप फ्लावर, कोई भी फ्लावर हो ना, उसकी इमोजी डाल देना. आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ओनम का ब्लॉग देखना है. बहुत सारा प्यार.